देख रहे सभी दर्शकों को मेरे यानी सिमरन हंस की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो बात करते हैं बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान के बारे में। सलमान खान की बात करें तो जोधपुर की अदालत में उनका काफी लंबे समय से एक मामला चल रहा है जो है काला हिरण शिकार मामला। वेल हम साथ साथ हैं के टाइम का ये मामला है। तब सलमान खान पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया है, जिसके चलते ये मामला अभी तक कोर्ट में है। वह अगर हम बात करें इस मामले की, तो रिसेंटली इस मामले की जो सुनवाई है, जो डेट थी जोधपुर की अदालत में थी, जहां सलमान खान को पहुंचना था, लेकिन सलमान खान वहां नहीं पहुंचे। वहीं अगर हम बात करें सलमान खान के ना पहुंचने की, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि सलमान खान को एक धमकी दी गई थी कि अगर आप जोधपुर अदालत में आओगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, शायद इसीलिए सलमान खान वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जो कोर्ट में रीजन बताया गया है वो ये बताया गया है कि सलमान खान का जो शेड्यूल है आजकल काफी ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा बिजी है। वहीं इस पर अगर हम जोधपुर अदालत की बात करें, तो जोधपुर अदालत ने नेक्स्ट जो डेट है वो बताई है कि 19 दिसंबर को बताया जाएगा और 19 दिसंबर को सलमान खान को आना होगा अदालत में। अब देखना ये होगा कि सलमान खान तब फ्री रहते हैं या नहीं, तब अदालत में आते हैं या नहीं, और अगर वो आते हैं तो अदालत जो है क्या फैसला सुनाती है इस मामले पर। वाला आपको बता दें कि 19 दिसंबर के पास जो है उनकी मूवी दबंग 3 भी रिलीज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि सलमान खान अदालत में पहुँचते हैं या नहीं।